ओम शांति, आप सबको स्वागत है। ट्रैवलिंग की वजह से कल का वरदान आपको मिल नहीं पाया, जो कि अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप बहुत जल्दी ही सुन पाएंगे अपने व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे। तो परमात्मा पिता चाहते हैं कि हम चाहे धन कमा रहे हों, चाहे हम अपने संबंधों को संभाल रहे हों, लेकिन उसमें हमारे अटैचमेंट ना हो। और हम हर चीज़, कभी कभी क्या होता है ना, गिल्ट में चले जाते हैं हम लोग। हम हर चीज़ के पीछे काश में होता, काश में करता, काश में कर पाता, काश में चले जाता, काश ये होता, काश मैंने कमा लेता, काश मेरे उस पैसे होते, काश, कितने सारे हम काश काश करते रहते हैं। और उन काश के कारण ही हम बहुत लो फील करते हैं, और खुद भी लो और को भी लो फील करते हो। जब हम लो फील कर रहे होते हैं तो औरों को ब्लेम भी करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं वहाँ होता नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से नहीं हूँ, तुम अगर ख्याल करते या करती या कर सकते थे तो मैं आज ये कर पाता। एंड ये कारण से हम अपने आप को भी नीचे औरों को भी नीचे खींचते हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें हम डिटैच होकर के करें। तो देखें, परमात्मा कहते क्या हैं कल के वरदान में। परमात्मा पिता कहते हैं कि धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए, धन भी कमाना है संबंधों को भी निभाना है, दुखों से मुक्त रहने वाले, नष्ट मोहा ट्रस्टी भवा। जब हमने सब कुछ किया अपने मन से दिल से किया, लेकिन फिर भी हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, तो फिर कभी ना कभी ऐसा फील होता है कि पता नहीं शायद से मेरे से ही गलती होगी, शायद से मैंने ही गलत चॉइस करी, या मैंने ही गलत गाइड किया होगा, शायद से मैंने ही गलत हो। नहीं, हर चीज़ का कोई कारण है, हर चीज़ कुछ कारण से होती है, और हर चीज़ का हल मिलता ही है। इसमें अपने ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, सारा अपने ऊपर बोझ लेकर के नहीं, क्योंकि उस समय हमारी सोचने की क्षमता, सही तरीके से सोचने की क्षमता कम होती जाती है जब हम अपने आप को ब्लेम करते हैं या हम गिल्ट में रहते हैं। वो स्पेशली कब होता है, जब हमारा बहुत अटैचमेंट होता है किसी आउटकम से या किसी व्यक्ति के साथ में। तो परमात्मा चाहते हैं कि लौकिक संबंधों के बीच में रहते हैं, लौकिक मतलब अपने फिजिकल फैमिली, माता पिता, भाई बहन और बच्चों के बीच में रहते हुए, रहते संबंध निभाना अलग चीज़ है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज़ है। अब ये आकर्षित मतलब क्या है? आकर्षित मतलब कोई अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही, फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं है, ये आकर्षित की बात हो रही है, जहाँ पर कि हम हर छोटी चीज़ जो हम करते हैं उसमें हम ढूंढते हैं कि इस व्यक्ति के लिए मैंने इतने साल इतना किया, इसने मेरे लिए क्या किया, या ये मेरा ये फलाना रिलेशनशिप है, इसके लिए तो मेरे को अपनी पूरी जान निकाल देनी, पूरा 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 अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, इम्बैलेंस अपने लाइफ में ला करके सब कुछ मेरे को कर देना है। परमात्मा कहते हैं कि वो आकर्षण तो है किसी व्यक्ति के साथ में कि उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, उसके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, उसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। ये सारी चीज़ें हैं अट्रैक्शन, जो कि हमें इंडिपेंडेंट नहीं होते होने देती। और हम जब इंडिपेंडेंट नहीं होते तो हम या तो ब्लेम करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं या कंप्लेन करते हैं, और उस कारण से हमारे अंदर हीलिंग नहीं होती है, चाहे वो मेंटल हीलिंग हो चाहे हमारी फिजिकल हीलिंग हो। तो परमात्मा कहते हैं ये जो अट्रैक्शन है लोगों से, इसको छोड़ो और अपने अंदर संकल्पों की जागृता करो, संकल्पों की शक्ति को जागृत करो, जिससे कि हम आगे बढ़ पाए। फिर परमात्मा साथ में कहते हैं, ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज़ है, कि हाँ मैं ट्रस्टी हूँ, मुझे शरीर का ख्याल रखना है, मुझे संबंधियों का ख्याल रखना है, तो इसलिए मैं धन कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ। अलग चीज़ है लगाव से कमाना, मैं कमा लूँ ताकि इसका भला हो जाए, मैं कमा के चले जाऊँ, इसको दे के चले जाऊँ ताकि इसका भला हो जाए, अरे मैं नहीं करूँगा तो इसका क्या होगा, अगर हम नहीं होते तो इसका क्या होता है। परमात्मा कहते हैं हम खुद भी अपने आप को नीचे करते हैं और औरों की क्षमताओं को भी हम नीचे खींच के ला देते हैं, औरों के अंदर शक्ति नहीं रह पाती है सोचने की सही, और औरों के अंदर हमेशा ये महसूस रहता है कि वो किसी लायक नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि नष्ट मोहा वह ट्रस्टी की निशानी है, जो कि नष्ट मोहा, मोह से दूर, ऐसा ना हो कि हमने पूरा जीवन ही किसी के पीछे लगा दिया हो, उसकी देखभाल में लगा दिया, उसका केयर में लगा दिया हो, कि हम अपने आप को ही भूल गए हों और फिर हम कंप्लेन, ब्लेम, क्रिटिसाइज के चक्कर में हम फंसे रहें हमेशा के लिए और निकल ना पाए। तो परमात्मा कहते हैं दुख और अशांति का नाम निशान ना हो, ये ट्रस्टी की और नष्ट मोह की निशानी है, कि वो जो भी कार्य करेगा जितनी क्षमता से उससे करेगा, उसके बाद में अगर वो और ज़्यादा नहीं कर पाया जिस कारण से हो सकता है किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो फिर वो गिल्ट फील नहीं करेगा, सॉरो दुख नहीं फील करेगा, क्योंकि वो नष्ट मोह है और वो अशांति में नहीं रहेगा। तो दुख और अशांति का नाम निशान ना हो, कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी होता है, वह संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए, आप किसी का केयर नहीं कर पाए, ज़्यादा समय नहीं दे पाए, ज़्यादा समय रह नहीं पाए, और वो व्यक्ति आपसे हो सकता है रूठ गया हो, या तो वो व्यक्ति आपके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गया हो कि वो उसके
आपके बिना कुछ हो ना पाए, ये भी एक मोह, ये भी एक निशानी है कि वो नष्ट मोह नहीं है। तो इसमें आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे ना दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर ना आए, सदा बेफिक्र बादशाह कि बैठा हुआ है ऊपर परमात्मा, वही गाइड करेगा और सही रास्ते पे लेके जाएगा। और इतना भरोसा अपने अंदर भी और औरों के प्रति भी होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर हम किसी का भला कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। और ये शक्ति कहाँ से मिलती है? जब आप मेडिटेशन सीखते हैं ब्रह्म कुमारीज में आकर के, और इस ज्ञान को गहराई से प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ ओम शांति।